क्या आपको लगता है कि दिल्ली में मिली सफलता का आपको पुणे में फायदा मिलेगा? क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि दिल्ली में आंदोलन बहुत जोरों से था, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी स्वयं थे, दिल्ली में आपके तमाम कार्यकर्ता थे, तमाम बड़े नेता थे, तो आपको लगता है कि दिल्ली पुणे से बहुत दूर है, उस सफलता का फायदा पुणे में आप कैसे उठा पाएंगे? ऐसा है, भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर राज्य की परिस्थिति निश्चित रूप से अलग अलग होती है, और जो अलग अलग परिस्थिति होती है उसके हिसाब से अलग अलग रणनीति भी तय करनी पड़ती है, और उस हिसाब से महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है उसके अनुसार रणनीति अलग अलग है ही। लेकिन एक बात है कि इस देश में भाजपा पुरस्कृत एनडीए और कांग्रेस पुरस्कृत यूपीए सरकारों के पिछले कुछ सालों के अनुभव से जनता नाराज है, और खास करके भ्रष्टाचार, महंगाई, सरकारी कार्यालयों में जो करदाता मतदार जाता है तो उसके साथ जिस तरीके का बर्ताव होता है इसके कारण, और ये सब को उत्तर ढूंढने की जिम्मेदारी जिन राजनेताओं पर है, वो राजनेता जिस तरीके से आज जनता से कटे हुए एक वीआईपी राजनीतिक कल्चर में लिप्त है, इन चारों मुद्दों को लेकर जिस तरह से दिल्ली में जनता के मन में आक्रोश था, उसी तरह से देशभर की जनता के मन में, पूना शहर की जनता के मन में भी आक्रोश है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक कॉमन फैक्टर है दिल्ली और पूना, और उसी के चलते बदलाव की भावना दिल्ली की जनता के मन में भी थी, पूना के जनता के मन में भी है। हाँ, ये ठीक है कि दिल्ली का जब चुनाव हुआ तब देश भर से कार्यकर्ता थे, आज हम पूरे देश भर में चुनाव लड़े, लेकिन एक बात है सभी सचिव जी कि दिल्ली में जब चुनाव हम लड़ रहे थे तब हम एक नई पार्टी थी, हमारी कामयाबी को लेकर बहुत सारी आशंकाएं सबके मन में थी, तो दिल्ली के चुनावों के परिणाम के बाद जो चेतना बदली है पूरे देश भर में वो भी तो एक बदलाव, दिल्ली के चुनाव के समय ये नहीं था, अभी वो बदलाव है और पूरे देश भर की जनता के मन में वो बदलाव है, तो वो जो मोमेंटम बढ़ा है उसका फायदा भी होने वाला है।